हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो को लेकर आई हूँ आपके सामने, वो उसका टाइटल है, जाने अयोध्या के राम मंदिर का इतिहास, आखिर कैसे आया राम मंदिर पर फैसला। तो चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है क्योंकि हम सबको इसके बारे में जानकारी होना भी चाहिए। और मेरे घर के पास में रामायण बैठी हुई है, तो शायद आप लोगों को उसकी आवाज़ आ रही है। तो प्लीज़, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, अयोध्या में अगले साल यानी 2023 तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। वो राम मंदिर जिसका सपना लगभग हर किसी ने देखा था। जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, तो भक्तों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और इसी के साथ राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया, जिस दिन भगवान राम के मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया। पर दोस्तों, राम मंदिर का फैसला इतनी आसानी से नहीं आया, इसके लिए राम मंदिर को बहुत सी चुनौतियों से गुजरना पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, और जानते हैं इस राम मंदिर का इतिहास, और ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों राम मंदिर पर हुए इतने विवाद। 9 नवंबर 2019 का वो दिन जब राम मंदिर के हक में फैसला आया और हर कोई खुशी से झूम उठा, और वो भी क्यों ना, आखिर 134 साल बाद इस मसले का फैसला आया था। पर ये फैसला इतनी आसानी से नहीं लिया गया, इसके लिए बहुत सी चुनौतियों से गुजरा था राम मंदिर। तो चलिए दोस्तों, डालते एक नजर भगवान राम की अयोध्या से राम मंदिर बनने तक का सफर। अयोध्या को भगवान राम के पूर्वज विवस्वान के बेटे वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से शहर पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यहीं पर दशरथ के महल में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम के काल में अयोध्या काफी सुंदर थी। ये इतनी सुंदर थी कि इसकी तुलना स्वर्ग से की जाती थी। कहते हैं कि भगवान राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए बिखर सी गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। भगवान राम के बाद उनके बेटे कुश ने एक बार फिर से राजधानी अयोध्या का निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंशी की अगली 44 पीढ़ियों ने यहाँ पर राज किया। आखिरी राजा महाराजा बृहद्बल ने भी यहीं पर शासन किया। कौशल राज बृहद्बल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी, और महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई। पौराणिक कथाओं के मुताबिक कौशल राज बृहद्बल की मृत्यु के बाद ये उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते करते अयोध्या पहुंच गए। थके होने के कारण वो अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे अपनी सेना के साथ आराम करने लगे। उस समय वहां पर घना जंगल था और कोई बसावट भी नहीं थी। कथाओं के अनुसार महाराज विक्रमादित्य को इस जमीन पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने ढूंढना शुरू किया, और पास के योगी व संतों के जरिए उन्हें पता चला कि ये श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों की बात मानकर ही सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ एक बड़े मंदिर के साथ ही कुएं, तालाब और महल बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि पर काले रंग की कसौटी पत्थर वाले 84 खम्भों पर एक बड़े मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत था। विक्रमादित्य के बाद कई राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर में सुधार कार्य करवाया था। इसके बाद ईसा की 11वीं सदी में कन्नौज का राजा जयचंद आया, तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के इंस्क्रिप्शन को उखाड़ कर अपना नाम लिखवा दिया। इसके बाद पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारत देश पर मुगलों का आक्रमण बढ़ गया। आक्रमण कारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की, और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियों को तोड़ने का काम जारी रखा। उन्होंने पूरे देश में मूर्तियों को तोड़ मंदिरों को उजाड़ा, लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। जब देश में जगह जगह बहुत से आक्रमण हो रहे थे, तब उन्होंने सबको झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं सदी तक बचा रहा। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर लोधी के शासन काल के दौरान भी यहाँ मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया, और उसके बाद ही राम जन्मभूमि और अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए, और आखिर में 1527-28 में इस मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया। बाबर नामा के मुताबिक 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान मस्जिद निर्माण का आदेश बाबर ने दिया था। तब मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक विद्यमान रही। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुदे दो संदेशों से इसका संकेत भी मिलता है। इसमें एक पर कुछ संदेश लिखा हुआ था, जिसका मतलब है, जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं, ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। हालांकि अकबर और जहांगीर के शासन काल में हिंदुओं को मंदिर के पास की भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन फिर से क्रूर शासक औरंगजेब ने
अपने पूर्वज बाबर के सपनों को पूरा करते हुए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। हिंदू धर्म के मुताबिक जिस जगह पर मस्जिद को बनाया गया था वो भगवान राम की जन्मभूमि है। बाबरी मस्जिद में 3 गुम्बद थी और हिंदू धर्म के मुताबिक इन गुम्बदों के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान है। साल 1853 में इस मंदिर को लेकर हिंदू मुस्लिम में सांप्रदायिक दंगे हुए और इस जगह को लेकर विवाद छिड़ने लगा। 1859 में अंग्रेजी सरकार ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर, हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। इसके बाद साल 1885 में महेंद्र रघुबर दास ने अदालत से मांग की कि चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए। ये मांग खारिज हो गई। साल 1949। 200 सालों पहले इस मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद को उस वक्त तो किसी तरह अंग्रेजों ने शांत कर दिया था, पर असली विवाद शुरू हुआ साल 1949 में। 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। उस समय यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं को भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में मुश्किल जाहिर की। तब सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। साल 1950, फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई, जिसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत मांगी गई और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत भी मांगी गई। इसके बाद साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। दोस्तों, निर्मोही अखाड़ा वही समुदाय है जिन्होंने सबसे पहले अयोध्या की भूमि का विवादित बताया था। साल 1961। इसके बाद यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह की पोजीशन और मूर्ति हटाने की मांग की। साल 1984। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने कमेटी गठित की और विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने की मांग की। साल 1986। यूसी पांडे की याचिका के बाद फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 VHP और शिवसेना समेत दूसरे संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब इस मस्जिद को ढाया गया तब वहाँ बहुत भीड़ थी और उस समय हर आदमी वहाँ पर नेता था। उस समय वहाँ का मंजर एक आंधी जैसा था। उस समय जय श्री राम, रामलला आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, एक धक्का और दो जैसे नारों से अयोध्या गूंज रही थी। लोग 11:50 पर मस्जिद के गुम्बद पर चढ़े। करीब 4:30 तक मस्जिद के 3 गुम्बद गिरा दिए गए। साल 2010, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011। इसके बाद साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। साल 2017। इसके बाद साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। दोस्तों, अभी तक भी इस मामले में कोर्ट का कोई भी फैसला नहीं आया था। फिर आखिर में 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट में मामले को मीडिएशन के लिए भेजा गया और मीडिएशन पैनल को 8 सप्ताहों के अंदर कार्यवाही खत्म करने को कहा। 1 अगस्त 2019 को मीडिएशन पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मीडिएशन पैनल भी इस मैटर को नहीं सुलझा पाया और कोई फैसला नहीं दे पाया। 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके बाद आया वो दिन जिसका वर्णन भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में किया जाएगा, जिस दिन 134 साल पुराने अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सभी की सहमति से फैसला सुनाया। इसके तहत अयोध्या की 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया और इस तरह इतने सालों की कानूनी जंग के बाद आखिर में अयोध्या में राम मंदिर बनने का फैसला आया। दोस्तों, वर्तमान में ये मंदिर लगभग आधे से ज्यादा बनकर तैयार हो चुका है और अगले साल यानी कि दिसंबर 2023 तक ये बनकर पूरा तैयार हो जाएगा और साल 2024 तक आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। दोस्तों, ये थी राम मंदिर की शुरुआत से आखिर तक की कहानी। आपकी राम मंदिर को लेकर क्या राय, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।
बहुत अच्छी वीडियो थी ये और बहुत नॉलेजेबल थी, मतलब कई लोगों को शायद इसमें बहुत सारी, मतलब मुझे खुद एकदम कुछ कुछ चीज़ें जो उन्होंने बताई कि इतने सालों से ये संघर्ष चल रहा था और कैसे उनकी पीढ़ी से पीढ़ी यहाँ पर, और किस तरीके से जो बाबर था, जो सॉरी औरंगजेब था, उसने किस तरीके से यहाँ मंदिर जो थे उनको गिरा के फिर उन्होंने मस्जिदें बनवाई। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि इतने सालों का फैसला, सोचिए, जो अभी तक नहीं हो पाया, और जब जब इस पर बात हुई तो दंगे फसाद ऐसा कुछ हुआ, लेकिन इस समय जब इस पर फैसला आया तो आप ये सोचिए कि कितनी शांति के साथ ये फैसला भी हुआ और किसी को कोई तकलीफ भी नहीं हुई। मतलब जहाँ उन्होंने बोला कि उस समय जब ऐसा कुछ हुआ था तो उन्होंने बताया कम से कम 2000 लोग जो थे वो मारे गए थे, तो और हम बहुत खुश नसीब मानेंगे अपने आप को कि हमें ये सब चीज़ें अपनी आंखों से देखने को मिल रही हैं, क्योंकि ये सोचिए जो हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने इतना इतना कठिन परिश्रम किया होगा इस चीज़ को देखने के लिए और वो आज हमारे बीच नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनका भी संघर्ष है और हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत माने कि हमें ये सब देखने को मिल रहा है। बाकी वीडियो बहुत नॉलेजेबल थी, आप सब जानते हैं, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड वीडियो शेयर जरूर कीजिए।